अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। अगर आप मेरे पेज पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने मंगवाया है सफ़ार से एक पार्सल, और देखते हैं इस पार्सल के अंदर क्या है। मुझे तो खैर पता ही है, लेकिन आपके लिए सस्पेंस रखना चाहती हूँ कि इस पार्सल के अंदर क्या है। तो आपके सामने मैं इसको करती हूँ ओपन। सफ़ायर पे जो है वो रिसेंटली अभी लगी थी बहुत ज़बरदस्ती सेल, और ये जो है मैंने आपके साथ शेयर भी की थी इसकी सेल, जिसमें मैंने जो है वो इसकी परचेज़ की थी कुर्ती, और उसके अलावा मैंने जो है वो इसकी कुछ प्रोडक्ट जो है वो मैंने की है इसकी ऑर्डर। ये आप देख सकते हैं, ये है इसका बिल। और अच्छा, सफ़ायर वालों की ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिस तरह से आप उनके आउटलेट पर जाते हैं वहाँ पर आपको जिस तरह से रिसिप्ट मिलती है, इसी तरह से अपने पार्सल के अंदर भी रिसिप्ट जो है वो देते हैं। इसके साथ साथ ये एक और इन्होंने ऑर्डर जो ये लोग लेते हैं उसके रिसिप्ट इसके अंदर ये लोग भेजते हैं कि कितना अमाउंट जो है वो पेड हो गया है या नहीं हुआ है। देखिए लोगों ने कितनी अच्छी तरीके से, कितनी सेफ तरीके से जो है वो इसको भेजा है, ये आप देख सकते हैं, ताकि इनके प्रोडक्ट जो है वो डैमेज ना हो। तो मैं इसको आप को करके दिखाती हूँ ओपन, के नॉन इसके अंदर जो है वो किस तरह से। तो आइए चलते हैं, हम इसको करते हैं अपने पार्सल को ओपन। तो सबसे पहले पार्सल को ओपन करने से पहले मैं आपको अगेन दिखा दूँगी किस तरह से इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सेफली तरीके से जो है वो इसको सेंड किया है। तो आई एम गोइंग टू ओपन दिस पार्सल। इसके अंदर जो है उन्होंने प्रोडक्ट जो है वो सेंड की है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इन्होंने करके दी है हमें पैकिंग, और द पैकिंग इज़ वेरी नाइस। तो आइए, आपके सामने ये मैंने कर दिया है इसको ओपन, और ऊपर से ये हम इसको काट लेते हैं। इसके बाद जो है वो मैं आपको इसके अंदर का दिखाऊंगी कि किस तरह से उन्होंने जो है वो पार्सल को सेंड किया है। सफाई की बहुत ज़्यादा अच्छी बात है हमेशा से, कि ये जो है बहुत ज़्यादा नाइसली, बहुत ज़्यादा सेफ तरीके से जो है वो अपने पार्सल को डिलीवर करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, पहले इन्होंने जो है ये ऊपर इसके थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा रफ़ तरीके से कुछ रखा हुआ है, ताकि जो है वो इनका प्रोडक्ट जो है वो डैमेज ना हो। उसके बाद जो है ना वो इसके नीचे इन्होंने रखा है अपना पार्सल जो मैंने मंगवाया था, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने इसको भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रैप करके जो है वो सेंड किया हुआ है, ताकि जो है वो प्रोडक्ट बाहर ना आए या जो है वो डैमेज ना हो। ये देखें आप, ये मैंने मंगवाई थी एक फाउंडेशन, और सेकंड जो है वो है इसकी हाइलाइटर। ये आप देख सकते हैं, ये सफ़ायर की मैंने मंगवाई है फाउंडेशन, और इसका शेड जो है वो है 38। तो आपको कभी भी ऑर्डर करनी हो तो वो आप इसको जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे मैं आपको दे दूंगी इसकी डिस्क्रिप्शन, और पीछे जो है वो उसके बारे में सारा इन्होंने जो है वो लिखा हुआ है। आइए मैं इसको करती हूँ ओपन, और ये मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से किस तरह की जो है वो निकली है। देखें, बिल्कुल जो है वो क्लीन है, बहुत ज़्यादा नाइस है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है इनके प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने बिल्कुल लाइव जो है वो इसको ओपन की है। इसके साथ साथ जो है मैं आपको इसकी दिखाती हूँ सेकंड प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट जो थी वो थी इसकी ये पेंसिल, आई पेंसिल मैंने इसके साथ ऑर्डर की थी। ये एज अ हाइलाइटर भी यूज़ होती है, एज अ हाइलाइटर अंडर आई, और आपके आईब्रोज की जो लाइन होती है ना उस पे भी जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको इसका ज़रूर एक दफ़ा जो है वो रिव्यू दूंगी, दोनों चीज़ें जब मैं इसको यूज़ करूंगी तो मैं आपको इनका रिव्यू ज़रूर दूंगी। आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है वो इसका शेड मंगवाया था पर्ल के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल पेंसिल भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये देखें, बिल्कुल क्लीन और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने सेंड किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सफ़ायर की जो है वो सारी चीज़ें वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैं पहले भी इनकी चीज़ें जो है वो यूज़ करती रही हूँ। यहाँ पर इन्होंने दी हुई है अपनी सारी डिस्क्रिप्शन, ये आप चेक कर सकते हैं। अगली वाली वीडियो में आपको मैं आपको इसका सारा रिव्यू बताऊंगी कि किस तरह का था प्रोडक्ट, किस तरह का था, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी इसको यूज़ करने का तरीका। तब तक मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, पार्सल मेरा हो गया रिसीव बहुत अच्छी कंडीशन में। थैंक यू सफ़ायर। तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।